दोस्तों आज बात करेंगे इस वीडियो में क्रूज कंट्रोल की। क्या होता है क्रूज कंट्रोल सिस्टम और क्या फायदे हैं इसके, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। देखो पर्सनली मैंने तो फील किया हुआ है, शायद आपने भी किया हो, जब भी हम किसी लॉन्ग ड्राइव पर या फिर लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं और बहुत लंबे समय तक अगर हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारे जो पैर है वो थकने लगते हैं, स्पेशली पैर का जो निचला भाग होता है एड़ी और पंजे, क्योंकि लगातार ब्रेक और एक्सेलरेटर और क्लच के मूवमेंट की वजह से पैरों में पेन जनरेट होने लगता है, पेन होने लगता है और थकान महसूस होने लगती है। और एक स्वाभाविक नेचर भी है, आप लगातार किसी बॉडी पार्ट का मूवमेंट करेंगे तो उसमें पेन होने लगेगा। अब इसी समस्या के समाधान के लिए इंट्रोड्यूस किया गया क्रूज कंट्रोल। ज्यादातर मॉडर्न कार्स में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा, यानी कि आजकल तो आपको 8-10 लाख की कार आप लेते हैं तो उसमें भी आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है उनके टॉप वेरियंट। क्रूज कंट्रोल एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है कार्स में, जिनको यूज करने के लिए कार्स में कुछ आपको बटन्स दिए होते हैं आपके डैशबोर्ड पे या फिर आपके स्टीयरिंग पे, जिनकी हेल्प से आप क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं और साथ ही स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं, काफी लंबे समय से ड्राइव कर रहे हैं और अब आप अपने पैरों में थकान महसूस कर रहे हैं और हल्का हल्का पेन भी महसूस कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप क्रूज कंट्रोल का यूज कर सकते हैं और क्रूज कंट्रोल का यूज करके आप एक स्पीड सेट कर सकते हैं। अब स्पीड सेट करने से होगा क्या, आपकी कार चलेगी और जो स्पीड आपने सेट करी है उसे मेंटेन रखने की कोशिश करेगी। चढ़ाई आएगी तो एक्सेलरेटर अपने आप स्पीड को एडजस्ट करेगा, ढलान आएगी तो जो ब्रेकिंग सिस्टम है कार का वो ऑटोमेटिकली आपकी कार की स्पीड को मेंटेन करेगा, एडजस्ट करेगा। कार के आगे अगर दूसरा व्हीकल भी आ जाएगा तो कार में कुछ सेंसर्स होंगे जो आपकी कार की स्पीड को ऑटोमेटिकली मेंटेन करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। कुल मिलाकर आप अपने पैरों को पूरा आराम दे सकते हैं अगर आप एक किसी सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और हाईवे पर चल रहे हैं। सभी कंपनीज का क्रूज कंट्रोल सिस्टम जो है, जो बटन इंटरफेस है, वो अलग अलग हो सकता है लेकिन वर्किंग मेथड सेम है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्पीड मेंटेन करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आंख बंद करके सो ही जाएं, क्योंकि आपने कुछ वीडियोस बीच में देखे होंगे, कुछ लोग गेम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं और कार चल रही है तो वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि स्टीयरिंग आपको ही कंट्रोल करना होता है। क्रूज कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि कार अपने आप टर्न भी हो जाएगी। साथ ही क्रूज कंट्रोल के साथ कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं। क्रूज कंट्रोल का यूज आप सकड़ी गलियों में नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर इसके सेंसर्स इफेक्टिवली वर्क नहीं करते हैं। ट्रैफिक में भी आपको क्रूज कंट्रोल यूज नहीं करना चाहिए और इसी वजह से, क्योंकि ये सिर्फ स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है, इसको स्पीड कंट्रोल भी कहा जाता है। दुनिया के पहले क्रूज कंट्रोल कार की बात करें तो ये बनाया था विल्सन पिल्चर ने 1900 में। उस समय स्पीड को सेट करने के लिए एक मैनुअल लीवर का यूज किया जाता था, लेकिन बाद में मॉडर्न क्रूज कंट्रोल को इन्वेंट किया गया 1948 में, जो कि इन्वेंट किया राल्फ टीटोर ने, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। अब इन्होंने ये इन्वेंट इसलिए किया क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुके थे अपने ड्राइवर से, क्योंकि उनका ड्राइवर उनको पीछे बैठा के कार चलाता था, कभी स्पीड ज्यादा करना कभी धीरे करना, तो उन्होंने स्पीड कंट्रोल सिस्टम को इन्वेंट किया जिससे कि एक स्पीड लिमिट सेट कर दी जाए और उसी स्पीड पर ट्रैवल किया जा सके। तो कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन हमें इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। क्रूज कंट्रोल का मतलब बिल्कुल भी ऑटोपायलट मोड नहीं है, ये एक ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम है जो आपको असिस्ट करने के लिए है, ड्राइवर को रिप्लेस करने के लिए नहीं। आशा करता हूं कि जो जानकारी है आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।